कटिहार गोलीकांड में आया एक नया मोड़, एसपी डीएम ने किया बड़ा खुलासा, जिसे सुनकर चौंक जाएंगे आप भी। वो क्या है नया ताजा खबर, जानिए हमारी इस वीडियो से। कटिहार की बारसोई का तो गोलीकांड आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। अगर नहीं पता है तो आपको बता दें, वहाँ पे गोलीकांड हुआ था जिसमें बताया गया था कि पुलिस द्वारा फायरिंग के दौरान जो है दो व्यक्ति को गोली लगी थी, जिससे जो है उनकी मौत हो गई। लेकिन आज वहाँ के डीएम और एसपी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिससे जो है गेम पूरा चेंज हो गया, ये घटनाकांड जो है पूरा चेंज हो गया है। आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह दिया जो पूरा जो है घटना बदल गया है, आपको बताएंगे और सुनेंगे भी वहाँ के डीएम एसपी ने क्या कहा है। तो पहले आप जो है वहाँ के डीएम और एसपी का बयान सुन लीजिए, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। बारसोई में हम लोग जो परसों के दिन घटना हुई थी, जिसमें बिजली ऑफिस पर तोड़फोड़ और मॉब के द्वारा चार्ज किया गया था और उसके विरुद्ध जो पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई की गई थी, उसी घटना की जाँच के लिए आज मैं और एसपी कटिहार यहाँ पर संयुक्त रूप से आए थे। तो हम लोगों की जांच में और यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है अनुमंडल कार्यालय परिसर का, उससे बहुत ही नए तथ्य सामने आए हैं। मैं एसपी साहब से कहूँगा कि इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। हम लोग यहाँ पर इंक्वायरी में यहाँ पर आए हुए थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग जो भी करेंगे फैक्ट बेस्ड करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो अनुमंडल कार्यालय का जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी जो है हम लोगों ने पड़ताल की। सबसे पहले जो है आप लोगों देखें, हम लोग पीओ पर गए, बॉडी जहां पर मिली थी वहां पर गए, तो जो रेंज था जहां पर बॉडी थी और जहां से गोली चलाया गया जो पुलिस कर्मी थे, वो दूरी जो है वो असंभव है कि वो इनका जो है पुलिस के गोली से जो है लगा है। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पड़ताल किया, तो वहां पर मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोग को। यहां पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहां से निकल जाता है। तो इसमें जो जो पहले जो हम लोगों के द्वारा जो आप लोगों को बताया गया था कि ये जो भीड़ का फ़ायदा लेकर के कुछ क्रिमिनल तत्व के लोग जो है इस पूरे बारसोई का माहौल ख़राब करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ ये किए हैं। और अभी जो हम लोग का जो जांच है, जो प्रिलिमिनरी जो जांच है, जो फुटेज है और जो पीओ है, वो सारी जाँच जो हम लोग ज्वाइंट किए और उसी में मैंने सोचा आप लोगों को मैं ये तथ्य रखूं। तो दोस्तों आपने डीएम और एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमें सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पुलिस द्वारा नहीं बल्कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली फायर की गई थी जिससे उनकी मौत हुई है, ऐसा जो है कहना है डीएम और एसपी का, जो उन्होंने जाँच में पता किया है। और उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज किया है, आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, और यार दोनों को ही मारा, नहीं एक ही गोली दोनों को मार दिया। अब लोग भाग गए सर, हम लोग भाग गए सर, वही है इस साइड मूवमेंट है भी नहीं। तो दोस्तों आपने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का जो है जाता हुआ दिख रहा है, जैसे ही लड़का पहुंचता है उस भीड़ में, उसके बाद जो है भगदड़ मच जाता है और जो है लोग इतर बितर बितर हो जाते हैं और पूरे भागने लगते हैं। इससे जो है पुलिस का इसी से जो है शक हो रहा है कि वहाँ पर जो है उसी लड़का द्वारा फायरिंग की गई थी और उसी का गोली से जो है उनका मौत हुआ है, ऐसा जो है पुलिस का कहना है डीएम और एसपी का। खैर जो है वहाँ पे क्या हुआ ये जो है जांच का विषय है और जांच में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, ये पुलिस द्वारा जो है फायरिंग में गोली लगा था या ये जो वीडियो है इसमें जो है इसी द्वारा इसका गोली लगा था, क्या है पूरा घटना कमेंट में ज़रूर बताइएगा।